न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर आज देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत सभी जगह पोस्टर चिपकाए जाने थे, लेकिन रेवाड़ी में जब इसकी भनक पुलिस को लगी तो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और आप पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने वाले स्थान पर जाने से पहले ही रोक दिया। दरअसल रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक पर आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए मोदी हटाओ देश बचाओ वाले पंपलेट चिपकाए जाने थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही रोक दिया और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मौके पर पहुंचे आप कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पोस्टर चिपकाने की बजाय गांधीगिरी तरीके से पुलिस को पानी और शिकंजी पिलाई। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार तानाशाही रवैया दिखाते हुए पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, लेकिन वह पीछे हटने वाले नहीं है। आज भी उन्होंने शांतिप्रिय प्रदर्शन करते हुए गर्मी से जूझ रहे पुलिस वालों को शिकंजी और पानी पिलाकर अपना प्रदर्शन किया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। भारत माता की जय। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर देश भर में एक पोस्टर अभियान चलाया था जो कि मोदी हटाओ देश बचाओ के लिए था। आज भारी संख्या में रेवाड़ी जिले के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर छपवाए थे, लेकिन मोदी के आदेश के अनुसार पुलिस प्रशासन ने हमें शहर के बाहर ही हमारे सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया और हमारे सारे पोस्टर पुलिस प्रशासन ने हमसे छीन कर रख दिए, जो कि हम अपना प्रदर्शन भी पूरा ढंग से नहीं कर पाए और हमारे कार्यकर्ता जो है वो धूप में खड़े होकर नारेबाजी की और गांधी के रास्ते चलकर हमने अपना प्रदर्शन किया। और ये मोदी जो मोदी सरकार है ये पुलिस को आगे कर देती है ताकि हम अपने प्रदर्शन को रोके, लेकिन हम अरविंद के सिपाही है, अपना दायित्व जनता के प्रति अपने दायित्व अच्छे से निभाना जानते हैं, तो हम जैसे भी जो भी जनता के बीच में जाकर जो हमारे शांतिपूर्ण ढंग से जो कार्य है वो जरूर करेंगे, पार्टी के आदेश को फॉलो करेंगे, चाहे हमें पुलिस हो, प्रशासन हो या मोदी सरकार हो, कोई हमें रोक नहीं पाएगी। और आज हमने अपना प्रदर्शन किया, साथ में अपना दायित्व निभाते हुए पुलिस की जो भारी सेना लगा रखी थी हमारे पीछे, जितने हमारे कार्यकर्ता नहीं थे उतनी पुलिस संख्या थी, तो हमने उन्हें गर्मी में खड़े देखते हुए उनको पानी जलपान के लिए आग्रह किया और उनसे जलपान करके अपना दायित्व निभाया और आगे भी हम पार्टी के प्रति अपने दायित्व ऐसे ही निभाते रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तय किया गया था। मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर वगैरह लगाने थे, एक विरोध प्रदर्शन सुनिश्चित किया गया था। जैसे ही हमने कल शाम को ये सूचना हमने ग्रुप में डाली, ज्यादा ज्यादा कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा, वैसे ही पुलिस को और सीआईडी प्रशासन को सूचना मिल गई और आज सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और हमारे अनेक कार्यकर्ता आने वाले जो धरना स्थल पे पहुंचने वाले थे विरोध प्रदर्शन स्थल पे, उनको रोक दिया गया और हमको बुलाकर हमको डराया गया, धमकाया गया और हमारे पास जो पोस्टर वगैरह बैनर वगैरह लगाने थे उनको हमसे जबरन छीन लिया गया, जब्त कर लिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम डरे नहीं और हमने फिर भी धरना स्थल पर आकर विरोध प्रदर्शन किया और हमने यहाँ तक भी किया कि जो सुबह से पुलिसकर्मी हमारे ही भाई बहन है, आखिर वो तो सरकार का कहना मानते, सरकार जो कहती है उनके हुक्मरान को कहना मानते, उनको हमने भूखे प्यासे को अपना सामाजिक दायित्व निभाया और एक शिष्टाचार के नाते पानी शिकंजी का भी उनको जलपान करवाया। लेकिन ये सरकार जो दबाना चाहती है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, उस सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी कभी भी झुकेगी नहीं, डरेगी नहीं। हम राष्ट्रीय अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गांधीगिरी को अपनाते अहिंसा तरीके से हम विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे और सरकार का विरोध जन विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध करते रहेंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ के लिए तो, लेकिन लगता नहीं मोदी चौक को छावनी में तब्दील कर दिया हो, ऐसा क्या करने जा रहे थे आप? सर हम तो अपना एक विरोध प्रदर्शन जाहिर करने जा रहे थे जिसके लिए हमने बैनर छपवाए थे, पोस्टर छपवाए थे जो हमने पूरे शहरों में बाजारों में लगाने थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने शक्ति बल दिखाते हुए हमसे वो सारा प्रशासन ने मिलकर सारा जो हमारे पास सामान था, मटेरियल था, वो सारा हमसे खोस लिया और हमारे साथियों को भी पीछे रोका गया
कि हम गिरफ्तारी कर लेंगे, इस तरह की बातें करके उन्हें डराया धमकाया गया, लेकिन जिसमें से बहुत सारे साथी आ गए, बाकियों को पीछे ही रोक दिया गया, यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, नहीं पहुँचने दिया गया। क्या कुछ मंशा लगती है आपको इसके पीछे? ये डर का माहौल पैदा किया जा रहा है जी लोगों में, कि लोग अपनी आवाज़ ना उठा सकें, लोकतंत्र की जगह लठतंत्र का इस्तेमाल करके लोगों को दबाया जा रहा है, कि मोदी सरकार को डर है कि अगर लोग खुले में आ जाएंगे तो उनकी कुर्सी आपसे हिलनी शुरू हो जाएगी। आज एक भी कंप्लेंट आपको लगाने नहीं दिया? नहीं लगाने दिया जी। आगे क्या करेंगे? आगे तो और दूसरे तरीके निकालेंगे, उस तरह से विरोध जाहिर करेंगे, जैसा पार्टी का आदेश होगा उस तरह से फिर आगे कार्यवाही की करेंगे। आपको लगता नहीं है पुलिस का दुरुपयोग करी सरकार? हाँ जी, दुरुपयोग करी पुलिस? आपको लगता नहीं पुलिस का दुरुपयोग सरकार? पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है जी, इतना इतनी पुलिस खड़ी है शहर में, और जगह भी क्राइम हो सकता है, कुछ हो सकता है, सारा पूरा प्रशासन सारा उठा के यहाँ सुबह 5 बजे से हमें पता लगा है कि पुलिस की सैकड़ों मुलाजिम यहाँ पे 5 बजे से खड़े हैं। ऐसा तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, ना हम कोई टेररिस्ट हैं, ना हम कोई चोर उचक्के हैं, अपना सिंपल तरीके से विरोध प्रदर्शन हम करने जा रहे थे, और यहाँ इतनी पुलिस परेशान कर दी इन लोगों ने, शहर की पूरी व्यवस्था बिगड़ गई है। आप सर्कुलर रोड पर देखो, हर जगह जाम की स्थिति है, पुलिस है नहीं कहीं पर, सारी पुलिस यहाँ ला के हम 4 लोगों के लिए खड़ी कर दी। तो ये प्रशासन को, सरकार को डर है, इसीलिए ऐसा हुआ है।